सो है गेमर्स, आई एम बैक विद अदर वीडियो। तो आज के वीडियो हम लोग खेलने वाले हैं न्यू इंडियन बैटल रॉयल गेम जिसका नाम है राइडर 6। एंड ये गेम जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अभी की जो हमारी बैटल रॉयल गेम है, और वो ऐसा क्यों है गाइस आज के वीडियो में आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। एंड गेम प्ले देख के आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा भाई किस टाइप का जो हमारा यहाँ पर जो ये गेम रहने वाला है। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये जो थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा क्योंकि जो राइडर 6 है भाई वो यहाँ पर जो है 6 है राइडर ही है, इसको यहाँ पर जो है रीब्रांड करके अब यहाँ पर जो एक इंडियन कंपनी ने बाई कर लिया है तो उसको दोबारा से यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। तो इस गेम के साइज की बात करें तो आपको 600 से लेकर यहाँ पर 800 MB के बीच में यहाँ पर मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये जो गेम है आराम से लो एंड डिवाइस के अंदर चल जाता है, यानी कि 2 GB रैम अगर आपके पास फोन है तो यहाँ पर आप लोग इजीली इसको खेल पाओगे। थोड़े बहुत यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप जरूर से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आप लोग यहाँ पर जो गेम का मजा यहाँ पर ले पाओगे। एंड ये जो गेम है गाइस थोड़ा जो नॉर्मल बैटल रॉयल गेम है जहाँ पर हम लोग जो आखिरी बंदे को किल करके भाई जीत जाते हैं, यहाँ पर हमारी जो टीम है पूरी यहाँ पर जीत जाती है, उसकी तरह नहीं है। यहाँ पर गाइस थोड़ा अलग से यहाँ पर रूल है। यहाँ पर जो गेम की स्टोरी में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर जो एक दूसरे को मारकर इस गेम को जीतने नहीं है, या बल्कि यहाँ पर जो एक क्रिस्टल जैसी यहाँ पर एक चीज होती है जो हर एक प्लेयर को या फिर आपको कहीं भी बॉक्स में पड़ी मिल जाती है, वो यहाँ पर आप लोग लेने आए हुए तो आप लोग अपनी अपनी सेफ से यहाँ पर उतारते हो एंड यहाँ पर जो वो क्रिस्टल है उसको यहाँ पर लेते हो एंड यहाँ से वापस जाते हो। लेकिन इस बीच का जो दूसरे बंदे भी आए जो सेम काम करने आए, यानी क्रिस्टल वगैरह लेने आए हैं, उनसे आपके यहाँ पर जो है फाइट होती है एंड आप लोग अगर उनको मार दोगे तो भाई उनका क्रिस्टल भी यहाँ पर चुरा लोगे। लास्ट में गाइज यहाँ पर जो गेम में 3 जगह पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आते हैं एंड यहाँ पर अगर 3 लोग जिंदा है तो गाइज अगर तीनों अलग अलग हेलीकॉप्टर पर एक दूसरे को बिना मारे जा सकते हो क्रिस्टल लेके तो तीनों के तीनों यहाँ पर जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, ज्यादातर जो प्लेयर एक दूसरे को यहाँ पर मार देते हैं। और बात करें तो यहाँ पर आपको कोई रिवाइव का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। आप लोग यहाँ पर जैसे ही मर जाते हो तुरंत ही यहाँ पर जो अपनी स्पेसशिप पे जाते हो एंड वहाँ से रिकॉल होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो गेम के अंदर आ जाते हो एंड जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं वो कोई और चोरा ही लेगा पक्का जब आप लोग यहाँ पर मर जाओगे। एंड इस गेम के अंदर जो MVP वाइज वही बनता है जिसके पास ज्यादा क्रिस्टल होती है। अगर आपने 10 किल किए हैं और क्रिस्टल कम है एंड किसी बंदे ने 3 किल किए हैं एंड उसके पास क्रिस्टल जाता है तो गाइस वही यहाँ पर जो MVP यहाँ पर बनता है। तो गाइस गेम के अंदर जो क्रिस्टल वगैरह उसको मैप ज्यादा यहाँ पर देख ही रखा हुआ है एंड उस क्रिस्टल से वाइज यहाँ पर जो अपनों गेम के अंदर जो है गन वगैरह अपग्रेड कर सकते हो, गाड़ियाँ वगैरह ले सकते हो एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहो तो लॉबी से अपने लिए टैंक वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह भी ला सकते हो। तो गाइस जो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ज़बरदस्त यहाँ पर है, खेलने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आता है। साथ ही साथ ग्रेनेड वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, आप सामने वाले को डांस करवा सकते हो या फिर मुर्गा भी यहाँ पर बना सकते हो ग्रेनेड फेंक के एंड गाड़ी वगैरह भी आपको देखने को इस गेम के अंदर मिल जाती है। एंड अगर बात करें गाइस यहाँ पर और चीज़ों की तो यहाँ पर आपको रैंक बोर्ड भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर जीते जाओगे उसी हिसाब से आपकी जो रैंक वगैरह भी है तो आप लोग यहाँ पर रैंक पुश वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हो इस गेम के अंदर। आप लोग स्क्वाड के साथ सोलो या फिर डुओ भी यहाँ पर खेल सकते हो। साथ ही साथ वॉइस चैट के फीचर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको प्रॉपर एक बैटल रॉयल गेम है यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पबजी से ली गई एंड काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर फ्री फायर से लिए गए हैं। तो भाई ये देखते गाइस कितने से तक ये गेम प्ले स्टोर पर टिक पाता है। अगर पबजी फ्री फायर वालों ने ज़्यादा ध्यान दे दिया तो भाई शायद कॉपीराइट भी पड़ सकता है इस गेम के ऊपर। ये थी गाइस इस गेम की सारी अच्छी अच्छी बातें गाइस कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है, किस तरह से यहाँ पर स्टोरी है। फिर भी ना समझ में आया तो भाई जरूर से मुझे कमेंट पूछना, भाई सब कुछ फिर से क्लियर यहाँ पर मैं कर दूंगा। आप जरा बात कर लेते इस गेम की बुराई के बारे में तो गाइस यहाँ पर जो है आप लोग गन वगैरह अपग्रेड इस गेम के अंदर कर सकते हो एंड उसके लेवल के लिए आपको क्रिस्टल वगैरह कुछ लगते हैं, लेकिन वहाँ पर आप जो है गन्स को यहाँ पर अपने पैसों से भी अपग्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर कोई पैसे वाला बंदा है तो वो एक लेवल से सारी गन को अगर अपग्रेड कर ले और वो फिर मैच के अंदर उतरे तो भाई उसके ऊपर एक अपर हैंड रहेगा क्योंकि भाई वो अपनी अपग्रेड जो गन है उससे आप लोग को यहाँ पर मारेगा एंड उसके ज्यादा गेम के जीतने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग यहाँ पर गेम खेले हो, कुछ यार पैसे वाले प्लेयर आपको ईजिली मार के यहाँ पर चले आते हैं। तो भाई ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है पे टू विन यहाँ पर हो जाता है, जितना पैसा लगाओगे भाई उतनी आसानी से आप लोग यहाँ पर जीत जाओगे। एंड ये क्रिस्टल को यार ये लेके जाना भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, अगर किसी ने भी आपको मार दिया तो सारे के सारे आपके क्रिस्टल चले जाएंगे या फिर शायद वो आपके टीममेट भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं एंड वो वापस तो यहाँ पर हो नहीं सकते जब तक आप लोग उनको यहाँ पर किल ना कर दो। तो गाइज ये था इस गेम का यहाँ पर जो एक कमी इस गेम की, इस वजह से भी ये जो गेम है चलानी। उसके अलावा गाइज बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप देख सकते हो गेम प्ले में यहाँ पर आपको घोड़े वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप सोच सकते हो शील्ड मिल जाती है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। तो अभी आप लोग देख सकते हो गाइज लास्ट में मैं यहाँ पर क्रिस्टल लेके यहाँ से जिंदा वापस जा रहा हूँ हेलीकॉप्टर से एंड अभी भी यहाँ पर जो 3 प्लेयर अलाइव हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जीता हुआ नजर आऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्रिस्टल लेके यहाँ पर निकल चुका हूँ, देख सकते हो विक्ट्री लेके आ चुकी है। जबकि 2 प्लेयर अभी भी मैच में, अगर वो एक दूसरे को मार देते हैं या फिर वो भी हेलीकॉप्टर बैठ के निकल जाते हैं वो यहाँ पर उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो निकल जाएंगे तो वहाँ पर जीत जाएंगे। तो अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं गाइस इस गेम को यहाँ पर डाउनलोड कैसे करना है एंड मैं इस गेम को कैसे खेल रहा हूँ। तो गाइस ये जो है यहाँ पर जो मेरा पुराना गेम प्ले 6 है राइडर मिशन का एंड यही सेम गेम अब जो है यहाँ पर राइडर 6 के नाम से
यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आप लोग को इस गेम को डाउनलोड वगैरह करना है तो आप लोग को यहाँ पर जो है प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, राइडर सिक्स सर्च करना, वहाँ पर ये गेम आ जाएगा और आप लोग को यहाँ पर जो इसको रजिस्टर कर लेना है। एक दो महीने के अंदर ही यहाँ पर जो है यहाँ पर गेम लॉन्च होने के चांस है, क्योंकि गेम ऑलरेडी पूरा बना हुआ है। बस जैसे ही इनका कुछ टारगेट होगा प्री रजिस्टर का, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा गेम यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम लोग अपने खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।